फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार का एक संक्षिप्त परिचय के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल बनेगा, बिहार का जो गठन है यानी बिहार जो प्रांत का गठन है कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का जो गठन है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। ध्यान रखें, जब 22 मार्च 1912 को जब बिहार एक अलग प्रांत बना, उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों एक साथ थे, और फिर आगे चलकर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। इस प्रकार बिहार का जो गठन है 22 मार्च को हुआ 1912 ईस्वी में, जिससे 1936 में उड़ीसा एक अलग राज्य बना और 2000 ईस्वी में झारखंड एक अलग राज्य बना। फिर बिहार के जो चारों तरफ चारों दिशाएं में जो कुछ उनके पड़ोसी देश या राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के जो उत्तर में है वो है नेपाल, पूरब में है पश्चिम बंगाल, यूपी है आपका वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, और साउथ की ओर है झारखंड। आगे कुछ बिंदुओं को देखते हैं। जैसे वर्तमान में जो कुल क्षेत्रफल है बिहार का वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान? तो बारवा स्थान। कौन सा? बारवा स्थान। मौर्य काल में जो बिहार प्रांत था इसका क्या नाम था? तो मगध, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मगध। उसके बाद कुछ भौगोलिक बातों पर अगर ध्यान दें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। फिर आगे कुछ बिंदुओं के बारे में बात करें, जैसे वर्तमान में बिहार में कुल गांव की संख्या है वो लगभग 45,000, कुल पंचायत कितना? लगभग 8,406 पंचायत, और प्रखंडों की संख्या 534, और जिला तो आप लोग को पता ही होगा टोटल कुल जिला कितना है वर्तमान में? 38, और अनुमंडल कितना? 101। बिहार के राजकीय जो पुष्प हैं पेड़ हैं इन सबके बारे में जान लेते हैं। पहला है राजकीय पुष्प, क्या है? गेंदा। दूसरा है राजकीय पेड़ पीपल, इसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे तो पशु है, राजकीय पशु वो है बैल। पक्षी क्या है बिहार का राजकीय पक्षी? जो है वो है गौरैया, और राजकीय फल जो है वो है आम। बिहार के जो प्रथम पुरुष या महिला हुए उनके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के जो पहले सीएम थे वो थे श्री कृष्णा सिंह, इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में इन्हीं के नाम पर मुंगेर में श्री कृष्णा सेतु नाम का एक ब्रिज का संचालन किया गया। प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलतराम। ध्यान रखिए आजादी बाद थे। प्रथम कवि कौन हुए बिहार के? तो बिहार के प्रथम जो कवि हुए वो विद्यापति। वर्तमान में सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। राजनीतिक दृष्टि से कुछ बात के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 40, राज्यसभा का 16, विधानसभा का 243 और विधान परिषद का टोटल 75 सीट है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बिहार का संक्षिप्त जानकारी के बारे में जाना और रिविजन किया। तो आगे भी बिहार के बारे में बहुत सारे, क्योंकि बिहार का इतिहास इतना छोटा नहीं है, तो अगले वीडियो में फिर जानेंगे बिहार के बारे में। चैनल पर बने रहें।